जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से आतंकियों ने अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया। आतंकियों ने पुलवामा में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इसमें 20 जवान शहीद हो गए जबकि 40 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 18 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुडुचेरी में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी पिछले दो दिनों से राज्यपाल किरण बेदी के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। बुधवार को उन्होंने राजभवन के बाहर दरी पर सोकर रात बिताई। कैबिनेट के कुछ मंत्री भी उनके साथ थे। पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार का आरोप है कि बेदी लोक कल्याण की कई योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरीश रावत के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को वलसाड के लाल डुमरी गांव में जन आक्रोश रैली में पहुंचे। यहां लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलने की घटना का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि एक तरफ मोदी मेरा और मेरे परिवार का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट उनसे लोकसभा में जाकर गले मिलता है। उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत नहीं काट सकती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तुलना यूपी की भाजपा सरकार से की। उन्होंने कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने तीन मामलों में उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया। दो मुद्दों पर दिल्ली सरकार के पक्ष में व्यवस्था दी। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ट्वीट कर सवाल उठाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी बैंकों को ये निर्देश क्यों नहीं देते कि वो मेरा पैसा लौटाने का प्रस्ताव स्वीकार करें ताकि जनता की उस रकम की रिकवरी हो सके जो किंगफिशर को लोन के तौर पर दी गई थी। देश में राफेल सौदे को लेकर कैग की रिपोर्ट बुधवार को राज्यपाल में पेश हुई। वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी जोर पर है। इस पूरे हंगामे के बीच बंगलुरु में बुधवार को तीन राफेल विमान लैंड हुए हैं। फ्रांस के बने तीन युद्धक राफेल विमान बंगलुरु स्थित येलहांका वायुसेना स्टेशन में लैंड हो चुके हैं। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु 83वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में नागपुर की मालविका बंसोट को सीधे सेट में हराया। भारतीय शेयर बाजारों में चल रहा गिरावट का दौर जारी है। गुरुवार को बीएसई 158 अंकों की गिरावट के साथ 35,876 अंकों पर बंद हुआ। वहीं एनएससी 43 अंकों की गिरावट के साथ 10,746 अंकों पर बंद हुआ।